हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक सच्ची घटना पर बनी एक जर्मन मूवी बलून को, जो 2018 में आई थी। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, साथ ही ऑडियंस ने भी इसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है मिस्ट्री एक्सप्लेन। ये मेरे एक दोस्त का चैनल है जिस पर फिलहाल मेरी ही आवाज है। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देखें कि कैसे 19 साल का एक लड़का इंटरपोल जैसी इंटरनेशनल एजेंसीज के सर्वर को हैक करके उनके सारे कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को चुरा कर माफिया को बेच देता है, और इतनी छोटी उम्र में कैसे बना वो दुनिया का सबसे बड़ा हैकर। इस मिस्ट्री को जानने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद आप उस चैनल पर जाए और वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी को समझने से पहले आपको जर्मनी की थोड़ी हिस्ट्री समझनी होगी, जिसके लिए मैं आपको एक वीडियो रेकमेंड करूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोल्ड वॉर के दौरान जर्मनी दो हिस्सों में बट गया था। ईस्ट जर्मनी, जिस पर USSR मतलब आज के रशिया का कब्जा था, और वेस्ट जर्मनी जिसे US का सपोर्ट था। ईस्ट जर्मनी पर USSR का कब्जा होने की वजह से वहाँ कम्युनिज्म था, जिससे ना ही वहाँ जॉब्स थी ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच, साथ ही वहाँ की इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा खराब रही थी, मतलब वहाँ डिक्टेटरशिप थी। वही दूसरी तरफ वेस्ट जर्मनी में कैपिटलिज्म मतलब डेमोक्रेसी थी, जिससे वेस्ट जर्मनी फल फूल रहा था। इसी वजह से ईस्ट जर्मनी के कई लोग वेस्ट जर्मनी जाने लगे। अब उन लोगों को रोकने के लिए ईस्ट जर्मनी ने देश के बीच एक दीवार बनवाई, जिसे बर्लिन वॉल नाम से जाना जाता है। वॉल के आसपास रूल इतने स्ट्रिक्ट थे कि वॉल के पास आने पर भी गार्ड लोगों को गोली मार दिया करते थे। दीवार को पार करने की कोशिश में ईस्ट जर्मनी के बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिन्होंने ईस्ट जर्मनी से दीवार पार करके वेस्ट जाने के लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला था, और ये कहानी 100% सच्ची है। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है 1978 से 1988 तक, मतलब 10 साल के अंदर ईस्ट जर्मनी से 38,000 लोगों ने वेस्ट जर्मनी भागने की कोशिश की, जिसमें से करीब 500 लोगों को बॉर्डर पर ही मार गिराया गया। अब पहले ही सीन में दिखाया जाता है एक आदमी बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गार्ड उसे देखते ही शूट कर देते है। फिर हम एक स्कूल प्रोग्राम में चार लोगों के परिवार को देखते हैं, पीटर, डोरिस, उनका बड़ा बेटा फ्रैंक और छोटा बेटा फिट्स। फिट्स स्टेज पर गाना गा रहा था। अब उनका परफॉर्मेंस खत्म होने पर वहाँ एक आदमी भाषण देता है कि ईस्ट जर्मनी कितना महान है, कम्युनिज्म कितना सही है। फिर वो वहाँ बैठे सभी लोगों को वैसी ही कसम खाने बोलता है। पीटर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मजबूरन उन्हें भी खड़ा होकर वैसा ही करना पड़ता है, वरना उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा। अब वो वापस आ रहे थे, कार में उन्होंने अपने नए पड़ोसी एरिक और उसकी वाइफ को लिफ्ट दी थी। एरिक भी कम्युनिस्ट विचारधारा का आदमी है और वो नेशनल सिक्योरिटी मतलब खुफिया पुलिस का ऑफिसर है। वो उन्हें छुट्टियों में कहीं वेकेशन पर जाने बोल रहा था। वो पीटर को सलाह देता है उन्हें बर्लिन जाना चाहिए, क्योंकि बर्लिन के टूरिस्ट ऑफिस के साथ उसकी पहचान है। उसके कॉल करते ही उन्हें एक बहुत ही बड़े होटल में कमरा मिल जाएगा। फिर वो लोग घर पहुंचते हैं, जहां कुछ ही देर बाद फ्रैंक और एरिक की बेटी क्लारा आते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ ही एरिक को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तभी वहाँ के बच्चों के हाथ से बलून छोड़ जाते हैं। सभी देखते हैं वो बलून वेस्ट जर्मनी की तरफ उड़ रहे हैं। ये देखते ही पीटर का परिवार एक दूसरे को देखने लगता है। पीटर तुरंत डोरिस से कहता है हवा की दिशा बदल गई है, मतलब समय आ गया है। वही एरिक उन्हें आज अपने घर इनवाइट करता है, लेकिन पीटर बहाना बनाता है आज उसे अपने मदर इन लॉ को देखने जाना है, इसीलिए वो आज आ नहीं सकते। फिर पीटर और डोरिस अपने दोस्त गंड के पास जाते हैं, लेकिन वो उनके साथ आने से मना कर देता है क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। ये सुनकर पीटर थोड़ा गुस्सा होता है, क्योंकि ये गंड का ही प्लान था कि वो एक हॉट एयर बलून में बैठकर दीवार पार करके वेस्ट जर्मनी जाएंगे। अब जब समय आ गया है वो मना क्यों कर रहा है। लेकिन गंड कहता है उनका बलून इतने सारे लोगों को कैरी नहीं कर सकता। साथ ही उसकी बीवी कहती है उनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और वो उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहते, जबकि उसकी माँ भी वेस्ट जर्मनी में ही रहती है, जिनसे वो 2 सालों से नहीं मिली। लेकिन अब ये उनका आखिरी फैसला था कि वो दोनों पीटर के साथ नहीं चलेंगे। अब पीटर और डोरिस के पास उनकी बात मानने के अलावा
कोई चारा भी नहीं था। तब पीटर उससे पूछता है क्या बलून चार लोगों को कैरी कर सकता है। गन के मुताबिक चार लोगों को बलून आसानी से कैरी कर लेगा। तभी वहाँ पीटर के पेरेंट्स आते हैं। अब जाने से पहले गन उन्हें गुड लक करता है। अब हड़बड़ाहट में घर आकर वो फ्रैंक को बताते हैं अब गन उनके साथ नहीं आ रहे। अब पीटर फैसला करता है उन्हें आज ही निकलना होगा। उसने फॉरेस्ट वेदर न्यूज सुनी है। रात में वो जंगल जाकर बलून असेंबल करेंगे। फ्रैंक के जाने के बाद डोरिस बहुत डर रही थी, लेकिन पीटर उसे यकीन दिलाता है वो उसे और अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देगा। दूसरी तरफ फ्रैंक क्लारा को देखता है। अब वो उसे कुछ बता नहीं सकता था, इसीलिए उसके लिए लेटर लिखता है कि वो अपने परिवार के साथ वेस्ट जा रहा है। अब वो उससे दोबारा नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता है। अब रात में 9:30 बज चुके थे। फिट्स को कुछ पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। डोरिस उसे कहती है वो आज रात कैंपेनिंग करने जा रहे हैं। फ्रैंक और पीटर निकलने की तैयारी कर रहे थे। फिर फ्रैंक बाहर आता है और अपना लेटर क्लारा के लेटर बॉक्स में रख देता है ताकि वो सुबह उस लेटर को पढ़ ले। अब कुछ देर बाद उन्होंने अपना सारा सामान ले लिया था, लेकिन अंदर डोरिस घर क्लीन कर रही थी जबकि वो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन ये घर उसने बनाया था, इस घर के साथ उसकी यादें जुड़ी है। पीटर इस बात को समझता है और कुछ देर वो भी उसके साथ उस घर को साफ करता है। कुछ देर बाद दोनों बाहर आकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अब वो रात के अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जंगल के रास्ते पर उन्हें कोई दिखाई देता है। वो उन्हें मदद के लिए बुला रहा था, शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, लेकिन वो लोग बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गंट और उसकी वाइफ बहुत परेशान हो रहे थे। कुछ देर बाद गंट के डैड उससे बात करते हैं। दरअसल उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है और वो बहुत खुश भी है, लेकिन गंट को अपनी जिंदगी अपने मन मुताबिक जीनी चाहिए। इसका मतलब ये था उसके डैड को उसके प्लान के बारे में बहुत पहले से पता है, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि उसकी माँ से भी नहीं। इस तरफ पीटर जंगल के बीच एक मैदान में पहुँचता है। कुछ देर बाद जब फिट्स जागता है उसे सामने एक बहुत ही बड़ा हॉट एयर बलून दिखाई देता है। उसकी माँ आकर कहती है वो वेस्ट जा रहे है। वो फिट्स को लाकर ट्रॉली में बैठ जाती है। अब पीटर और फ्रैंक बलून की रस्सी काटते हैं, फिर वो बलून उड़ने लगता है। फिलहाल सब कुछ ठीक था। फ्रैंक एक मशीन में देखकर बताता है वो 300 मीटर हाइट पर है, लेकिन डोरिस कहती है यहाँ बहुत ज्यादा रोशनी है जिससे वो आसानी से देखे जा सकते हैं। इसीलिए पीटर बलून को और ऊपर ले जाता है। अब कुछ ही देर बाद बलून बादलों के भी ऊपर चला जाता है जिससे वो दिखाई नहीं देता। ऊपर बहुत ठंड थी। फ्रैंक बताता है वो 1700 मीटर ऊंचाई पर है। वो फिलहाल 14 मिनट से उड़ रहे थे। 14 मिनट में आधा रास्ता ही कवर होता है। फिट्स बहुत ज्यादा डर रहा था। तब डोरिस उसे कहानी सुनाकर शांत करती है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद पानी टपकने लगता है। तब पीटर को पता चलता है हवा में उमस बहुत ज्यादा है, मतलब कुछ ही देर में बलून गीला होकर बहुत भारी हो जाएगा। पीटर तुरंत फ्रैंक से उनकी हाइट पूछता है, लेकिन उसकी मशीन जाम हो गई थी। नीचे देखने पर उसे पता चलता है वो तेजी से नीचे गिर रहे हैं। फ्रैंक बताता है वो 1700 मीटर नीचे आ गए हैं। अब कुछ ही देर बाद गैस बंद हो जाती है। पीटर किसी तरह सिलेंडर हिलाकर गैस शुरू करने की कोशिश करता है। उन्हें पता नहीं था उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया या नहीं। गैस शुरू करने के चक्कर में पीटर के हाथ पर चोट लग जाती है। अब कुछ ही देर बाद बलून पेड़ों से टकरा कर क्रैश हो जाता है, लेकिन लकीली किसी को चोट नहीं आई थी। अब सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर फ्रैंक बताता है वो 28 मिनट से उड़ रहे थे। अब दूरी के हिसाब से बॉर्डर पार करने इतना समय काफी था, लेकिन फिलहाल वो जंगल के बीच है। उन्हें पता नहीं वो वेस्ट पहुंचे या अभी तक ईस्ट में ही है। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें बॉर्डर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती है क्योंकि वेस्ट उनसे बस कुछ ही दूरी पर था। अगर बलून 5 मिनट और उड़ जाता तो वो बॉर्डर पार कर चुके होते। अब वो बलून को अपने साथ नहीं ले जा सकते। पहले जाकर उन्हें अपनी कार ढूंढनी होगी जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन रात होने की वजह से उन्हें वही वेट करना होगा। अब सुबह होते ही एक गार्ड को वो बलून दिखाई देता है, लेकिन पीटर और उसका परिवार वहाँ से जा चुके थे। अब वो चलते हुए टाउन में पहुँचते हैं जहाँ कुछ लोग खिड़की से उन्हें घूर रहे थे। तभी उनके सामने से एक ट्रेलर जाता है। उसे देखकर डोरिस को लगता है शायद उनकी कार पुलिस को मिल गई है। अब वो लोग कार के पास पहुंचकर इंतजार करते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। अब वो जल्दी से वहाँ से बची कुची चीजें उठाते हैं और उन्हें ले जाकर पास में ही पानी में फेंक देते हैं और तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। अब अपने घर पहुंचकर सबसे पहले वो जल्दी से अपना ट्रेलर गैराज में रखते हैं। सुबह सुबह अभी ज्यादा लोग जागे नहीं थे। तभी फ्रैंक को याद आता है उसने रात में क्लारा को लेटर लिखा था। अब वो जाकर लेटर बॉक्स में से अपना लेटर निकालने लगता है जिससे वो बॉक्स ही खुल जाता है। लेटर लेते ही उस पर क्लारा का डॉग भौंक रहा था और उसे दो आदमी देख भी रहे थे, लेकिन फ्रैंक बिना रिएक्ट किए अपने घर में चला जाता है। अब डोरिस बहुत गुस्से में थी क्योंकि अगर वो थोड़ा और आगे गिरते तो बॉर्डर पर गार्ड उन्हें पकड़ लेते। पीटर और कोशिश करना चाहता था, लेकिन डोरिस को और कोशिश नहीं करनी थी। तभी उनकी डोरबेल बजती है। सामने
वही आदमी थे जिन्होंने फ्रैंक को देखा था। वो दोनों ऑफिसर थे। वो रिक्वेस्ट नहीं बल्कि पीटर को धमकी देते हैं। उनका 30वां नेशनल डे आ रहा है, वो अपने घर को रिनोवेट करे और अपने घर के ऊपर देश का झंडा लगाए। वही बॉर्डर के पास कर्नल विट्स के आता है जो एक कट्टर कम्युनिस्ट है। वहाँ के लोग बताते हैं इस बलून की डिजाइन काफी स्टेबल है, उन्हें सिलेंडर से कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि सिलेंडर के सीरियल नंबर को मिटा दिया गया है। लेकिन वहाँ उन्हें डोरिस की दवाई मिल जाती है। यहाँ विट्स के वहाँ के गार्ड को भाषण देता है कि उनका देश कितना महान है और दूसरे डेमोक्रेटिक देश कितने बुरे हैं और उन्हें बॉर्डर के पास आने वाले किसी भी इंसान को गोली मार देनी है। वही पीटर अपनी कार में कुछ काम कर रहा था तभी वहाँ एरिक आता है। वो पीटर से उनका हालचाल पूछता है क्योंकि कल रात वो घर पर नहीं थे। तब पीटर झूठ बोलता है, कल रात उसके मदर इन लॉ की हालत बहुत खराब हो गई थी और फिसलकर गिरने से उसके हाथों पर चोट लगी है। फिर एरिक उससे पूछता है वो काम क्या करता है। पीटर एक टेक्नीशियन है। पीटर को लग रहा था जैसे एरिक को उस पर शक हो गया है, लेकिन असल में एरिक ने एक नया कलर टीवी खरीदा था लेकिन टीवी पर चैनल ठीक से नहीं दिख रहे। वो बस पीटर से टीवी को ठीक करने मदद मांग रहा था। तब जाकर पीटर चैन की सांस लेता है। इस सीन को देखकर हमें ऐसा फील होता है जैसे हम किसी से कुछ छुपाना चाहते हैं तो उससे बात करने पर हमें हमेशा यही डर होता है जैसे सामने वाले को उस बारे में पता तो नहीं चल गया या कहीं उसे शक तो नहीं हुआ। मुझे यकीन है आपने भी इस डर और फीलिंग को जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। खैर मूवी में आगे बढ़ते हैं। अब फिट्स भी तीनों से नाराज होता है क्योंकि वो उसे सच नहीं बता रहे थे। पीटर उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन उस बच्चे को दो कंट्री के बीच का फर्क कहां समझ में आने वाला था। फिर फ्रैंक कहता है वो हंगरी या चेकोस्लोवाकिया जाकर वहां से वेस्ट जर्मनी जा सकते हैं, लेकिन पीटर कहता है एम्बेसी उन चारों को कभी वहां जाने ही नहीं देगी क्योंकि कुछ लोग ये पहले भी कर चुके हैं। उन्हें ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच रिपेटेटिव ऑफिस की जरूरत है लेकिन वहां यूएस एम्बेसी से भी ज्यादा सिक्योरिटी है। तब फ्रैंक कहता है क्यों ना वो यूएस एम्बेसी में ट्राई करे क्योंकि वो भी लोगों को रेस्क्यू करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें यूएस एम्बेसी के अंदर तक एक्सेस चाहिए। डोरिस फिट्स को समझाती है उसे अपने परिवार पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अब जब रात में डोरिस अपनी मेडिसिन लेने जाती है तब उसे कुछ याद आता है। वो पीटर को बताती है बलून से गिरते वक्त उससे मेडिसिन का एक पैकेट जंगल में ही छूट गया। मेडिसिन पर उसका नाम नहीं है लेकिन वो मेडिसिन फार्मेसी वाले सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही देते हैं। मतलब उसे ट्रैक करके अब पुलिस उन तक पहुंच सकती है, यहाँ तक कि मेडिसिन पर उसके फिंगरप्रिंट भी हो गए। अब यहाँ डोरिस अपना आपा खोने लगती है क्योंकि उनके बारे में पता चलते ही गवर्नमेंट उन्हें गायब करवा देगी। वो खुद को बहुत बुरे पेरेंट समझने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था अब फिट्स अनाथ आश्रम में बड़ा होगा, उन्हें और फ्रैंक को गवर्नमेंट जेल में डलवा देगी। फिट्स उन्हें सुन लेता है और बुरी तरह रोने लगता है। फ्रैंक भी वहां आता है और पीटर उन्हें संभालने की कोशिश करता है। अगले दिन डोरिस काम पर जाती है, वो एक बैंक में जॉब करती थी। अब वो बहुत ज्यादा डरी और घबराई हुई रहने लगी थी। वही दूसरी तरफ विट्स के बॉर्डर के दो गार्ड्स की क्लास ले रहा था क्योंकि उन्हें आसमान में कुछ दिखाई नहीं दिया था। यहाँ हमें पता चलता है गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखे है अगर कोई भी चाहे वो मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, कोई भी बॉर्डर पार करने की कोशिश करे तो उसे सीधा शूट कर दिया जाए, और विट्स के इस ऑर्डर के बिल्कुल सपोर्ट में है। वही एरिक के घर पीटर ने उसकी टीवी फिक्स कर दी थी। फिर पीटर उसे टूरिस्ट ब्यूरो के बारे में पूछता है क्योंकि मूवी की शुरुआत में एरिक ने बताया था उसके टूरिस्ट ब्यूरो के साथ अच्छी पहचान है। तब एरिक उससे पूछता है उसे कहाँ जाना है। वही दूसरी तरफ विट्स के उस बलून की तहकीकात करवा रहा था। उन्हें पता चला था उस बलून को किसी प्रोफेशनल स्विंग मशीन से सिया गया है। वो फैक्ट्रीज में पूछताछ कर रहे है और जितना उस बलून का साइज था गैस के हिसाब से बलून 40 मिनट तक उड़ा होगा। अब हवा के बहने की रफ्तार से उन्होंने कुछ एरिया का अंदाजा लगाया था जहाँ से वो बलून उड़ाया गया होगा। अब फिट्स उस पूरे एरिया में इन्वेस्टिगेशन करने कहता है। साथ ही उन्हें पता चलता है उस एरिया में उस रात एक ट्रक देखा गया था। वो उस ट्रक ड्राइवर के साथ उस दुकान का भी पता लगा रहे थे जहाँ से बलून बनाने फैब्रिक खरीदा गया होगा, लेकिन फिलहाल उनके पास सबसे बड़ा क्लू डोरिस की मेडिसिन थी। मेडिसिन एक्सपर्ट ने बताया है ये दवा जिस लेडी की है वो कम से कम 30-40 साल के बीच होगी, वो ओवरवेट होगी, साथ ही उसके गले पर एक ऑपरेशन का निशान होगा। फिर हम डोरिस को देखते हैं। ओवरवेट को छोड़कर बाकी डिटेल्स उसके साथ मैच होती है, खासकर उसके गले का निशान। फिर हम देखते हैं पीटर और उसका परिवार बर्लिन आए हैं। यहाँ वो एक होटल में रुकते हैं। उस होटल का कमरा बहुत बड़ा था। उनके टूर का इंतजाम एरिक ने करवाया है। फ्रैंक और पीटर नीचे जाते हैं। डोरिस और फिट्स देखते हैं उस कमरे से बर्लिन वॉल के उस पार वेस्ट जर्मनी दिख रहा था। फ्रैंक और पीटर नीचे जाकर टेलीफोन डायरेक्टरी में यूएस एम्बेसी का नंबर और एड्रेस देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ लोग उन्हें देख रहे थे। लेकिन नंबर नोट करने के लिए पीटर का पेन नहीं चलता। तब फ्रैंक वो पेज ही फाड़ लेता है। पीटर ने एक नोट पर यूएस एम्बेसी के लिए एक मैसेज लिखा है लेकिन वो डायरेक्ट उन्हें कॉल नहीं कर
सकते क्योंकि यहाँ के फोन टेप हो रहे होंगे, इसीलिए वो मैसेज को एक सिगरेट के पैकेट में रखता है। अब उन्हें इस पैकेट को यूएस एम्बेसी के अंदर पहुँचाना होगा। उन्हें लग रहा था ये मैसेज मिलते ही एम्बेसी के लोग आकर उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। अब चारों घूमने निकलते हैं। वो घूमते हुए यूएस एम्बेसी के पास आए थे। यूएस एम्बेसी के पास ईस्ट जर्मनी के सोल्जर्स ने नजर रखी थी। यूएस एम्बेसी के अंदर ईस्ट जर्मनी का कोई भी नागरिक इतनी आसानी से जा नहीं सकता था। जो भी यूएस एम्बेसी से निकल रहा था ईस्ट जर्मनी के गार्ड उन्हें चेक कर रहे थे, साथ ही सीक्रेट पुलिस उसकी फोटो भी खींच रही थी। वहाँ के गार्ड्स उन्हें ही देख रहे थे। तब पीटर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो रास्ता भूल गए हो। फ्रैंक को दिखाई देता है दो लोग यूएस एम्बेसी के अंदर जाने वाले है। वो पीटर से सिगरेट का पैकेट लेता है और वो तीनों जाकर चेक पॉइंट के गार्ड से रास्ता पूछने लगते है। फ्रैंक उन अमेरिकन के सामने जाकर शू लेस बांधने लगता है। जब किसी भी गार्ड्स का ध्यान उस तरफ नहीं था, फ्रैंक उस सिगरेट के पैकेट को उस लेडी के बैग में रख देता है। अब उन्हें लग रहा था उनका काम हो गया, यूएस एम्बेसी कभी भी उनसे कॉन्टेक्ट कर सकती है। वही दूसरी तरफ गंड के वाइफ को उसकी सास बताती है गार्ड्स को बॉर्डर के पास एक हॉट एयर बलून मिला है और हो सकता है वो लोग पकड़े गए हो और अभी जेल में सड़ रहे हो। रात में वो गंड को इस बारे में बताती है। दरअसल उन्होंने उस दिन मिलकर फैसला किया था वो दोनों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए उन्हें पता नहीं पीटर का परिवार अभी क्या कर रहा है। गंट और उसकी वाइफ को पीटर के परिवार की फिक्र हो रही थी। वही बर्लिन में शाम हो गई थी लेकिन उन्हें किसी का मैसेज या कॉल कुछ नहीं आया था। अब पीटर को बुरे सपने भी आ रहे थे, जैसे उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है और भागते समय फ्रैंक को गोली मार दी गई। तभी उनका फोन बजता है। दरअसल रिसेप्शनिस्ट पीटर को नीचे बुला रही थी क्योंकि किसी ने उसके लिए काउंटर पर कुछ छोड़ा है। अब वो अकेला ही नीचे जाता है। वो देख रहा था क्या कोई यूएस एम्बेसी से आया है, तभी काउंटर पर उससे एक आदमी टकराता है। वो आदमी इंग्लिश में बात कर रहा था, मतलब वो अमेरिकन है। उसके बाहर जाते ही पीटर उसके पीछे जाता है और उसे लाइटर मांगता है, फिर उसे सिगरेट दिखाकर पूछता है उसे उनका मैसेज मिला या नहीं। लेकिन उस आदमी को जर्मन समझ नहीं आती, वो उसे अपना सिगरेट का पैकेट देकर चला जाता है। अब अंदर जाकर पीटर उस पैकेट को पूरा फाड़ देता है लेकिन उसमें कोई मैसेज नहीं था। पीटर समझ जाता है वो बस एक आम आदमी था। फिर वो काउंटर पर जाता है। दरअसल उसका वॉलेट किसी को मिला था और उसने वॉलेट को काउंटर पर जमा करवा दिया। अब रात में पीटर वेस्ट जर्मनी को देख रहा था जो उनसे कुछ ही कदमों की दूरी पर है। अब पीटर हिम्मत हारने लगा था और अपने परिवार को मुसीबत में डालने का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा था क्योंकि वो फेल हो गया है। लेकिन फिट्स और फ्रैंक जाग रहे थे। वो उसे दिलासा देते हैं वो फेल नहीं हुआ, वो कम से कम बॉर्डर तक तो गए। वो तो उनका बैड लक है कि बॉर्डर पार नहीं कर पाए। अगर उस दिन उतने बादल नहीं होते तो वो सब अभी वेस्ट में होते। फ्रैंक कहता है अब वो क्या करे, सीक्रेट पुलिस के आने का इंतजार करे। फिट्स कहता है उन्हें एक और हॉट एयर बलून बनाना चाहिए क्योंकि कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला, उन्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। लेकिन पीटर कहता है उनके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि पिछले वाले को बनाने में पूरे 2 साल लगे थे, लेकिन अभी सिचुएशन अलग है। पीटर कहता है लेकिन वो गंड के बिना हॉट एयर बलून बना नहीं सकते। फ्रैंक कहता है फिर उन्हें भी साथ चलना चाहिए, वो भी यहाँ से जाना चाहते हैं। ये आइडिया डोरिस को भी पसंद आता है। उसे फिर से बलून में नहीं जाना था लेकिन उसे वेस्ट जर्मनी जाना है जहाँ उसके बच्चे और वो आजादी से जी सके। अब अगले दिन चारों फैब्रिक खरीदने एक दुकान में जाते हैं। पीटर 200 मीटर कपड़ा मांगता है लेकिन सेल्स वुमन कहती है उसे वेयर हाउस में बात करके बताना होगा। लेकिन डोरिस देखती है फैब्रिक तो उनके सामने ही रखा है। वो देखती है वहाँ का मैनेजर उन्हें देखते हुए किसी को कॉल कर रहा है। डोरिस सभी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कार में जाकर वो पीटर को बताती है सेल्स वुमन को फैब्रिक देने कॉल करने की जरूरत नहीं थी, फैब्रिक उनके सामने ही था। इसका मतलब अब वो एक साथ 200 मीटर कपड़ा नहीं खरीद सकते, उन्हें एक बार में 20 मीटर खरीदना होगा। एक पर्सन जाकर 20 मीटर खरीदेगा वो भी छोटी दुकानों से, इस तरीके से उन्हें कोई नोटिस नहीं करेगा। इस काम में गंट और उसकी वाइफ भी उनका साथ दे सकती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन विट्सके को पता चलता है एक फैमिली बर्लिन में 200 मीटर फैब्रिक खरीदने आई थी। वो समझ जाता है वो एक और हॉट एयर बलून बनाने वाले है। बाकी लोगों को लगता है वो बेवकूफ है लेकिन विट्सके को नहीं। वो समझ गया था इस बार वो एक बड़ा हॉट एयर बलून बनाएंगे। वो ये भी समझ जाता है अब वो फैमिली बर्लिन में नहीं होगी, वो लोग उसी एरिया से बलून उड़ाएंगे जहाँ से पिछली बार उड़ाया था क्योंकि वहाँ से ही वेस्ट जर्मनी का बॉर्डर सबसे करीब है। लेकिन उन्हें हवा को वेस्ट में बहने तक इंतजार करना होगा। इसका मतलब जब हवा वेस्ट की तरफ बहने लगेगी उन्हें अपनी पेट्रोलिंग दुगनी करनी होगी, तब उन्हें पकड़ना और आसान होगा। वही पीटर गंड से मिलने जाता है। उसे देखकर उसकी वाइफ बहुत खुश होती है। पीटर बताता है अब उन्हें ये तो पता चल गया है हॉट एयर बलून काम करता है। लेकिन पेट्रा कहती है गैस खत्म होने पर वो नीचे आ सकते हैं। लेकिन पीटर कहता है वो इतने ऊपर जाएंगे कि मिलिट्री उन्हें देख ही ना पाए, जबकि पेट्रा को हाइट से डर लगता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ गई थी। यहाँ पता चलता है गंड को मिलिट्री में बुलाया गया है और उसे ड्यूटी ज्वाइन करने की कॉल आ गई है। उसे 6 हफ्तों में ड्यूटी ज्वाइन करनी है, उसे वीकेंड पर छुट्टी तक नहीं मिलेगी। पीटर को लगता है उन्हें काम और जल्दी करना होगा, लेकिन गंड कहता है वो इतनी जल्दी बलून सील नहीं सकता। लेकिन पीटर बताता है उनके पीछे सीक्रेट पुलिस पड़ी है और उन्हें पकड़े बगैर वो रुकेगी नहीं। अब उन्हें किसी भी तरह बलून बनाना ही होगा। गंट मान जाता है वो 6 हफ्तों में बलून बना भी लेगा, लेकिन एक और प्रॉब्लम है हवा। हवा सही डायरेक्शन में बहना चाहिए। फिर गंट पीटर को अपने कुछ डिजाइन दिखाता है। उसने प्लेन का भी डिजाइन बनाया था, लेकिन प्लेन को टेक ऑफ करने उनके पास रनवे ही नहीं है। उसने पहले से ही सब कुछ कैलकुलेट कर रखा है। उन्हें 1300 स्क्वायर मीटर फैब्रिक लगेगा। फिर सभी लोग अलग अलग जाकर टुकड़ों में फैब्रिक खरीदते हैं। वो लंबे लंबे फैब्रिक खरीदते हैं जिससे गंट को बलून बनाने में थोड़ा कम टाइम लगने वाला था। गंट ने सिलाई शुरू कर दी थी। फ्रैंक और पीटर जाकर उस पानी से फैन निकालते हैं जो उन्होंने पिछली बार फेंक दिया था। अब उन्हें जल्दी ही गैस फ्रीज होने की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, क्योंकि ज्यादा ऊपर जाकर सिलेंडर में गैस जम जाती है। अब उन्हें एक मजबूत ट्रॉली चाहिए जिस पर उन दोनों के परिवार आसानी से मा सके। ये काम फ्रैंक और पीटर करते हैं। वो अपने घर के गैराज में बलून की ट्रॉली बनाना शुरू करते हैं। वही दोनों औरतें अलग अलग दुकानों से लगातार फैब्रिक खरीद रही थी। अब कुछ ही दिनों बाद फ्रैंक और पीटर ने ट्रॉली बना ली थी। पेट्रा उस पर जम करती है। वो काफी मजबूत और बड़ी थी। अगले दिन फ्रैंक को क्लारा मिलती है। फ्रैंक कहता है वो अपने डैड के साथ अपनी मॉम के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट बना रहा है। क्लारा उसे उसके साथ पतंग उड़ाने बोल रही थी। पहले तो फ्रैंक मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चला जाता है। फ्रैंक और क्लारा पतंग उड़ाने जाते हैं। वहाँ क्लारा उसे किस करती है, मतलब वो भी उसे पसंद करती है। वही दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफिस में विट्स्के को डांट पड़ रही थी, क्योंकि अभी तक उन्होंने हॉट एयर बलून बनाने वालों का पता नहीं लगाया था। उसका सीनियर बताता है अगर उन्होंने दूसरा हॉट एयर बलून बनाकर बॉर्डर पार कर लिया तो पूरी दुनिया के सामने उनका मजाक बन जाएगा। दूसरी तरफ पीटर और फ्रैंक जंगल जाकर गैस टैंक की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे थे, क्योंकि लगातार गैस निकलने और ऊंचाई की वजह से गैस फ्रीज हो रही थी। पीटर फ्रैंक के क्लारा के करीब जाने पर गुस्सा था, क्योंकि उसके डैड सीक्रेट पुलिस में है। क्लारा को लेकर दोनों में बहस होती है, लेकिन पीटर फ्रैंक को क्लारा से मिलने से मना करता है। अब वो वापस जा रहे थे, लेकिन सिलेंडर निकालते समय फ्रैंक से वो गिर जाता है। सिलेंडर गिरते ही उसे कुछ समझ में आता है। वो तुरंत पीटर को बुलाकर कहता है अगर वो गैस सिलेंडर को उल्टा रखे तो उसमें प्रेशर बना रहेगा जिससे आग और ज्यादा स्पीड में जलेगी। अब इसे आजमाने वो गैस सिलेंडर उल्टा रखकर ट्राई करते हैं। आग जलाते ही फ्लेम पहले से ज्यादा बड़ी थी और गैस फ्रीज भी नहीं होती। दोनों बाप बेटे ये देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब वो हर चीज के लिए तैयार है। फिट्स वेस्ट जर्मनी जाने को लेकर थोड़ा परेशान था, लेकिन डोरिस उसे संभाल लेती है। तभी वहाँ गंट और पीटर आते हैं। अब गंट अपने घर पर बलून नहीं सी सकता, क्योंकि उसके पड़ोसी मशीन की आवाज को लेकर सवाल करने लगे हैं। डोरिस कहती है लेकिन उनका पड़ोसी तो सीक्रेट पुलिस है, लेकिन गंट उनके बेसमेंट में सिलाई कर सकता है, यहाँ से आवाज बाहर नहीं जाती। बाहर क्लारा फिर से फ्रैंक को बुलाने आती है, लेकिन इस बार फ्रैंक उसके साथ जाने से मना कर देता है। फिर हम एक किंडरगार्टन स्कूल को देखते हैं। वहाँ गंट का बड़ा बेटा आता है। फिर वहाँ के टीचर बच्चों से पूछती है उनके डैड क्या करते हैं। कुछ बच्चों से पूछने के बाद वो गंट के बेटे से पूछती है। वो बताता है उसके डैड दिन भर सिलाई करते हैं, लेकिन उसे ये बताने की इजाजत नहीं कि वो क्या सी रहे हैं। इस बात से उस टीचर को शक हो जाता है। वही घर पर पेट्रा बहुत परेशान थी, क्योंकि गंट को 5 दिनों में मिलिट्री ज्वाइन करनी है। 5 दिन में वो बलून बना भी ले, लेकिन उन्हें हवा वेस्ट तक बहने के लिए रुकना ही होगा। उसे लग रहा था अब उसके बच्चे बिना बाप के ही बड़े होंगे। फिर वो बताती है आज किंडरगार्टन में उसके बेटे ने टीचर को बताया उसके डैड कुछ सी रहे हैं। फिर टीचर ने उससे पूछा, तब उसने बहाना बना दिया कि वो कैंप टेंट सी रहे हैं। फिर वहाँ गंट आता है। अब बस आधी सिलाई बची है, अब उन्हें पड़ोसी के सोने तक रुकना होगा। लेकिन डोरिस कहती है उन्हें गंट और पेट्रा का यहाँ रोज आने का कुछ तो बहाना बनाना ही होगा। अब पेट्रा नशे में होने का नाटक करते हुए बाहर आती है। वो शराबियों की तरह चिल्ला रही थी ताकि लोगों को लगे चारों पार्टी कर रहे थे। वही दूसरी तरफ विट्स्के ने उस आदमी का पता लगा लिया था जिसने उस रात पीटर और उसके परिवार को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। वो उन्हें बताता है जब उसका ट्रक खराब हुआ था उसने बस एक कार को वहाँ से जाते हुए देखा। कार के साथ एक ट्रेलर भी था। फिर वो उन्हें उनकी डिटेल बताता है कि वो ब्लू और व्हाइट वर्डबर्ग नाम की कार थी, उसमें कपल और दो बच्चे थे। ये सेम वैसी ही डिटेल है जैसी बर्लिन के उस क्लॉथ स्टोर ने बताया था। अब उन्हें डराने का समय था। अगले दिन पेट्रा देखती है अखबार में बलून से मिले टूल्स की फोटो छपी है। गंड कहता है अब उन्हें अपना काम जल्दी करना होगा, उन्हें और फैब्रिक की जरूरत है। लेकिन अब वो इस
शहर से फैब्रिक नहीं खरीद सकते, इसीलिए उन्हें दूसरे शहर जाकर फैब्रिक खरीदना होगा। वही अब पुलिस वाले फैब्रिक की दुकानों में पूछताछ कर रहे थे। उस दुकान की लेडी बताती है, दो औरतें हमेशा एक जैसा ही फैब्रिक खरीद कर ले जाती है। फिर वो फोटो दिखाकर उनसे कार के बारे में पूछते है। ये पीटर के कार वाला मॉडल था, उसने कार की नंबर प्लेट देखी थी, उसे पता था वो किस शहर की है क्योंकि उसके भतीजे के पास भी उसी एरिया की कार है। अब उन्हें पता चल गया था पीटर और उसका परिवार किस एरिया में रहते हैं। साथ ही उन्हें गैस सिलेंडर का सीरियल नंबर भी पता चल गया था, वो गैस भी उसी एरिया के आसपास की थी। मतलब उन्हें पता था पीटर और उसका परिवार किस एरिया में रहते हैं और उसके आसपास से ही उन्होंने बलून उड़ाया होगा। पीट से मिलिट्री बुलवा लेता है। दूसरी तरफ क्लारा के बाप एरिक को पता चलता है बलून उड़ाने वाले उनके ही टाउन के लोग थे। अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। वही फ्रैंक कॉलेज में देखता है अब क्लारा किसी दूसरे लड़के के साथ जा रही है। आप उसे जज ना करें क्योंकि जर्मनी में कोई भी किसी के लिए ज्यादा वेट नहीं करता, सब बहुत जल्दी ही मूव ऑन हो जाते हैं। दूसरी तरफ विट्स के उस किंडरगार्टन में पहुंचता है जहां गंड का बेटा है। वो टीचर से पूछताछ कर रहा था कि किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ खास बात बताई है, जैसे वो कोई चीज सी रहे हो। तभी वह गंड का बेटा अपनी बॉल लेने आता है। विट्स के उसका नाम पूछता है लेकिन उसके कुछ और पूछने से पहले टीचर उसे भेज देती है। फिर टीचर बताती है यहाँ के कुछ बच्चों के पेरेंट्स कुछ सी रहे हैं लेकिन वो उनके देश का झंडा सी रहे हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। गनीमत थी वो टीचर उसे कुछ और नहीं बताती। अब अगले दिन बारिश शुरू हो जाती है और फ्रैंक अपने कमरे में गुस्से में बैठा था। इस बात को लेकर पीटर और फ्रैंक में फिर से बहस होती है लेकिन तभी वहाँ गंट आता है क्योंकि उन्हें जल्दी ही बलून की सिलाई खत्म करनी है। फिर फिट्स के उस एरिया की सबसे बड़ी फार्मेसी में पहुँचता है, वहाँ एरिक भी था। उसका आदमी बताता है उस बलून के पास मिली दवाई 600 लोग ले जाते हैं। फार्मेसी वाला बताता है इस एरिया में उस दवाई को 100 से 200 लोग ले जाते हैं। अब विट्स के उस एरिया में छानबीन शुरू करवाता है, उन्हें क्राफ्टमैन, वर्कशॉप और सिलाई मशीन ढूंढनी है। वही फ्रैंक क्लारा को दूसरे लड़के के साथ आते हुए देखता है लेकिन पीटर को रेडियो से एक गुड न्यूज मिलती है कि बारिश की वजह से 2 दिनों तक हवा 40 किलोमीटर की रफ्तार से वेस्ट की तरफ बहने वाली है। वो तुरंत जाकर ये खबर गंट को देता है। ये सुनकर वो भी बहुत खुश होता है। तब फ्रैंक उससे पूछता है क्या बलून इतने सारे लोगों को संभाल लेगा। गंट कहता है बलून 2 और लोगों को संभाल सकता है। अब विट्सके के आदमी फार्मेसी से पेशेंट्स के एड्रेस लेकर उनके घर जाकर पूछताछ कर रहे थे। उन लोगों के साथ एरिक भी था। इस तरफ सभी बलून सीने में गंड की मदद कर रहे थे। पीटर गैस सिलेंडर का इंतजाम कर रहा था। अब सुबह हो जाती है। फ्रैंक क्लारा के घर जाता है और उसे अपने साथ वेस्ट जर्मनी चलने कहता है लेकिन क्लारा मना कर देती है क्योंकि वो अपने मॉम डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। फिर फ्रैंक बाहर आता है लेकिन ठीक उसी समय एरिक रेनकोट लेने घर वापस आता है। क्लारा उससे पूछती है क्या वो वापस फार्मेसी जा रहा है। एरिक तुरंत रेनकोट लेकर चला जाता है। फ्रैंक क्लारा से पूछता है उसके डैड फार्मेसी क्यों जा रहे हैं। तब क्लारा बताती है फार्मेसी में सीक्रेट पुलिस कुछ ढूंढ रही है। फ्रैंक समझ जाता है अब वो लोग जल्दी ही यहाँ पहुँच जाएंगे। फ्रैंक जाकर तुरंत ये पीटर को बताता है। डोरिस समझ जाती है वो लोग मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन से उन्हें ट्रेस कर रहे हैं, मतलब उन्हें आज ही निकलना होगा। अब किसी भी हालत में गंड को आज रात तक काम खत्म करना ही होगा। वो जाकर उसकी बीवी और बच्चों को लाने कहता है। उसे लाने फ्रैंक जाता है और पीटर बाकी के इक्विपमेंट तैयार करने जाता है। पुलिस अभी तक लोगों के घर जाकर चेक कर रही थी। अब शाम हो जाती है और गंट ने भी बलून लगभग सी लिया था लेकिन बलून के ठीक ऊपर एक होल रह गया है जिसके लिए फैब्रिक कम पड़ गया है, इसीलिए उन्हें वहाँ नॉर्मल कपड़ा लगाना होगा। वही दूसरी तरफ विट्सके के आदमी परेशान हो गए थे। उन्हें लग रहा था वो कहीं और से ये दवाई लेते होंगे। अब उनके पास आखिरी नाम डोरिस का था। डोरिस का नाम सुनते ही एरिक कहता है डोरिस तो उसकी पड़ोसी है। विट्सके उससे पूछता है क्या उनके पास ब्लू एंड व्हाइट कार और ट्रेलर है। एरिक कहता है हाँ और उनके 2 बेटे भी है। उन्होंने पहले एरिक को ये डिटेल नहीं बताई थी। वो समझ जाते हैं बलून उड़ाने वाले यही लोग है। विट्से तुरंत उनके घर के लिए निकलता है। वही दूसरी तरफ फ्रैंक क्लारा के लिए एक लेटर रखता है। क्लारा उसे देख रही थी। अब कुछ ही देर बाद विट्सके बाकी लोगों के साथ उनके घर पहुंच गया था लेकिन डोरबेल बजाने पर कोई दरवाजा नहीं खोलता, इसीलिए वो जबरदस्ती अंदर जाते हैं लेकिन घर पर कोई नहीं था, मतलब वो लोग निकल चुके हैं। बेसमेंट में उन्हें सिलाई मशीन और बलून की मैगजीन भी मिलती है, मतलब ये वही लोग है। अब विट्सके एरिक पर गुस्सा करता है क्योंकि उसके घर के सामने ये सब होता रहा लेकिन एरिक कहता है सब कुछ नॉर्मल था, उसे कभी पीटर पर शक नहीं हुआ लेकिन उसने गंट और उसकी वाइफ को कई बार यहाँ आते हुए देखा है। वो सभी पुलिस वालों को ब्लू एंड व्हाइट कार को रोकने कहता है, साथ ही वो मिलिट्री और चॉपर मंगवाता है। क्लारा बाहर खड़ी थी। एरिक उससे कहता है वो सभी को बताएगी, उसे कुछ पता नहीं है क्योंकि पुलिस उसके साथ भी पूछताछ करेगी क्योंकि वो फ्रैंक
की दोस्त है। फिर हम देखते हैं पीटर और उसका परिवार पेट्रा को लेने गए थे। उसके आते ही फ्रैंक और गंड उसकी बाइक से निकलते हैं और पीटर कार के साथ ट्रेलर लेकर निकलता है, लेकिन सामने ही पुलिस वाले थे इसीलिए वो दूसरा रास्ता लेता है। गंड खिड़की से अपने पेरेंट्स को आखिरी बार देखता है। पीटर कार लेकर जंगल की तरफ निकलता है। उनका लक अच्छा था कि पीटर नाकाबंदी लगने से पहले ही उस जगह पहुंच गया था जहां से उन्हें बलून उड़ाना है। अब पीटर, डोरिस और फिट्स मिलकर बलून असेंबल करने लगते हैं। गंट और फ्रैंक वहां आ ही रहे थे, लेकिन उनके आने तक वहां नाकाबंदी लग चुकी थी। पुलिस वाला उन्हें रोककर आईडी पूछता है। अब गंट को अपना वॉलेट मिल नहीं रहा था, लेकिन तभी वायरलेस से उन्हें खबर मिलती है उन्हें चार लोगों की फैमिली के साथ एक ब्लू एंड व्हाइट कार और ट्रेलर को रोकना है। अब वो दोनों बाइक पर थे इसीलिए ऑफिसर उन्हें जाने कहता है। दूसरी तरफ पीटर ने बलून निकाल लिया था, लेकिन अभी तक फ्रैंक और गंट वहां पहुंचे नहीं थे क्योंकि गंट की बाइक ओवरहीट होने की वजह से बंद हो गई थी, इसीलिए दोनों बाइक को धकेलने लगते हैं। वही विट्स के एयरबेस पहुंचकर चॉपर लेता है ताकि उन्हें हवा में ही देखकर गिराया जा सके। दूसरी तरफ गंट और फ्रैंक वहां पहुंच जाते हैं। गंट की बाइक चालू हो गई थी, बलून का लगभग सारा काम हो गया था। फिर गंट फैन ऑन करता है और वो बलून में हवा भरने लगते है। साथ ही पीटर ने फ्लेम पकड़ी हुई थी, वही ऊपर विट्स के चॉपर से पेट्रोलिंग कर रहा था। इस तरफ बलून रेडी हो चुका था, उसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब जल्दी से सभी ट्रॉली में आते हैं। अब गंट और फ्रैंक एक एक करके रस्सी काटते हैं, लेकिन फ्रैंक से आखिरी रस्सी नहीं कटती जिससे बलून साइड में टेढ़ा होने लगता है। उसकी फ्लेम से बलून में आग भी लग जाती है। वही फ्रैंक रस्सी को इतनी जोर से खींचता है कि जमीन में गड़ी रॉड सीधा आकर उसके चेहरे पर लग जाती है। पीटर किसी तरह फायर टैंक से आग बुझाता है और इतनी मशक्कत के बाद बलून फाइनली उड़ने लगता है। अब बलून काफी ऊपर आता है। वही विट्सके को रेडियो से पता चलता है एक एरिया में कुछ देखा गया है। वो तुरंत चॉपर से उस तरफ जाता है। वही बलून में गंट देखता है ऊपर के होल में लगा कपड़ा एक तरफ से निकल गया है, इसीलिए पीटर गैस और बढ़ा देता है। तभी पेट्रा को सामने सर्च लाइट दिखाई देती है। उन्हें लगता है वो बॉर्डर होगा, लेकिन अभी वो बहुत दूर था। वही विट्सके भी वहां आ गया था। उसे चॉपर से अपने सामने एक लाइट दिखाई देती है। वही बलून में सब किसी तरह शांत बैठे थे, लेकिन तभी फ्लेम बुझने लगती है क्योंकि गैस खत्म हो रही थी और कुछ ही सेकंड्स बाद फ्लेम बुझ जाती है। उनकी फ्लेम बुझने से विट्सके को भी कुछ दिखाई नहीं देता। पीटर और गंट सिलेंडर को हिलाकर किसी तरह फ्लेम जलाते हैं। फ्लेम जलते ही विट्सके को भी बलून दिखाई देने लगता है। अब वो उनकी ही तरफ बढ़ रहा था, लेकिन गैस फिर से बुझ जाती है क्योंकि अब गैस पूरी तरह खत्म हो गई थी। अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। वही विट्सके को वो फिर से दिखाई नहीं देते। विट्सके को भी समझ में आ जाता है उनकी गैस खत्म हो गई होगी। वो तुरंत अपनी सारी यूनिट को उस एरिया में बुलाता है क्योंकि अब बलून नीचे गिरने वाला था। मिलिट्री की सारी यूनिट उस तरफ निकलती है क्योंकि बलून उस एरिया में ही कहीं गिरेगा। बहुत से गार्ड बंदूकों, कुत्तों और टॉर्च के साथ उस एरिया में पहुंच गए थे। अब बलून भी नीचे आने लगा था। अब कुछ ही सेकंड्स बाद वो तार के खंभे से टकराते हैं, फिर पेड़ों से टकराते हुए नीचे क्रैश होते हैं। गंट बाहर गिरता है जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। इसके अलावा बाकी किसी को कोई चोट नहीं आई थी। फिर पीटर फ्रैंक से पूछता है वो कितनी देर से उड़ रहे थे। फ्रैंक बताता है 28 मिनट से। पिछली बार भी वो 28 मिनट ही उड़े थे, लेकिन बॉर्डर पार नहीं हुआ था। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। वही दूसरी तरफ मिलिट्री उन्हें जंगल में ढूंढ रही थी। अब पीटर और गंट चेक करने जाते हैं। वही विट्स के एयरबेस पहुंचता है। उन्हें अभी तक कोई नहीं मिला था। मिलिट्री के लोग कुत्तों के साथ उन्हें ढूंढ रहे थे। इधर पीटर को भी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। तभी पीटर और गंट को एक कार दिखाई देती है। अब दोनों उस कार के सामने आते हैं। उसमें से दो मिलिट्री के आदमी निकलते हैं। पीटर उनसे पूछता है क्या ये वेस्ट है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये बवारिया है। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि बवारिया वेस्ट जर्मनी में ही है। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं क्योंकि वो कामयाब हो गए थे। पीटर जाकर उस मिलिट्री ऑफिसर के गले लग जाता है और गंट हवा में फ्लेयर गन शूट करता है। फ्लेयर गन देखकर विट्सके समझ जाता है उन लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और वो कुछ नहीं कर पाया। वही कुछ ही देर बाद फ्रैंक और बाकी सब भी बाहर आते हैं। सभी बहुत खुश थे क्योंकि अब वो कम्युनल जर्मनी छोड़कर डेमोक्रेटिक जर्मनी आ गए थे, जहां वो अपने मन मुताबिक जिंदगी जी सकते हैं, जहां उन्हें पूरे अधिकार मिलेंगे, उन्हें कठपुतली नहीं समझा जाएगा। अगले दिन क्लारा फ्रैंक का लेटर पढ़ती है
है। एरिक से पूछताछ हो रही थी और विट्स के उसे मिनिस्ट्री ऑफिस में बुलाया जाता है। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ नहीं पता। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। पीटर और डोरिस न्यूज देखते हैं, ईस्ट जर्मनी को आजादी मिल रही है। अब जर्मनी फिर से एक देश बन रहा है। ये देखकर पीटर के आंखों में आंसू थे। फिर हम गंड को देखते हैं, वो अपने किसी पायलट दोस्त के पास आता है। फिर वो पेट्रा के साथ अपने माँ बाप से मिलने ईस्ट जर्मनी की तरफ उड़ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। फिर हमें पीटर की असली कार दिखाई जाती है, जिस जगह से उन्होंने बलून उड़ाया था। उनका पहला बलून दिखाया जाता है, उस बलून की कुछ और फोटो दिखाई जाती है। फिर उनका दूसरा बलून दिखाया जाता है, जिससे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था। गंट की सिलाई मशीन दिखाई जाती है, जिससे उसने बलून सिया था। गंट के ट्रीटमेंट की फोटो दिखाई जाती है, जब उसके पैर में चोट लगी थी। उनके परिवार को सम्मानित भी किया गया था। साथ ही उस बलून को एक बार और उड़ाया गया था। और आखिर में हमें गंट और पीटर के परिवार की असली फोटो दिखाई जाती है। और इसी के साथ ये मूवी पूरी तरह एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे दोस्त के चैनल को भी जरूर चेक करें। अगर उसके वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उसके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।